प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ आप पांडव टीले पे अस्नापुर टीले पे खड़े हैं आप। माँ जयंती माता की यह महिमा है यहाँ की, यहाँ कम से कम रोज की डेली 2000 भक्तों का रोज का आना जाना यहाँ पे तैयार रहता है। वो किस लिए, अब से 8 साल पहले यहाँ पे माँ की भक्तों की तैदार यहाँ पे कम से कम 200-250 आदमी की थी, और उससे पहले 50-60 आदमी की थी। वो कैसे, माँ का इतना बड़ा चमत्कार है यहाँ पे, जो भी भक्त माँ से कोई पूछ कह के चला गया या किसी ने अरदास लगा दी तो उसकी मनोकामना पूरी हुई। फिर उसने 10 को बताया, 10 भी इस चीज़ को यहाँ पे सुन के आए माता की। ऐसी करते 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 तैदगार आज 2020 में माँ के कम से कम 3000 भक्तों की यहाँ आना जाना हो गया दिन का। अब इस टाइम इसके कारण कोरोना वायरस के बाद अब भक्तों की भीड़ अब कम हो गई, लेकिन फिर भी लोग पाक जो है ना इस लॉकडाउन की वजह से माँ का जो दिल से मानते हैं आज भी आना जाना नहीं छोड़ते। इस माँ में वो शक्ति है कि हर व्यक्ति ने जो भी बोल दिया वो पूरा हुआ। कारण यहाँ माता जी सती जी का अंग गिरा था 51, जंगांग माता जी का यहाँ पे गिरा था, उस अंग की यही उनकी पिंडी है, उस पिंडी की ही उनका रूप है ये, इसलिए इनका नाम जयंती माता कहते हैं। पांडव की ये कुलदेवी हैं, पांडव यहाँ रहते थे, पांडव इनकी पूजा करते थे, पांडव ने ही इन माता से शस्त्र प्राप्त किए थे युद्ध में लड़ने के लिए। भगवान कृष्ण ने इनको दिखाया था, पांडव को रूप दिखाया था, तो ये माँ द्रौपदी का रूप भी है। माँ द्रौपदी जो थी कालिका के रूप में थी, वो साक्षात जो है एक जब पांडव के साथ रही तो वो काली के रूप में जो है एक नारी के रूप में आई, लेकिन वो माँ का ही रूप था। तो इसलिए यहाँ ये सब पांडव के महल पे हैं, द्रौपदी के शराब से ये खंडर हो गए। आज भी माँ का भक्तों का है चमत्कार है। जिस दिन से मैं आया हूँ, देखो जी मैं यहाँ 3 साल तो मुझे हो गए, मैंने जिस भक्त को यहाँ भी देखा है माँ का चमत्कार ही देखा है। तो मैं तो यही कहता हूँ जी, हस्तिनापुर एक ऋषि मुनियों का तपो का प्राकृतिक भूमि है ये, भगवान विष्णु भगवान ने यहाँ पे, कृष्ण भगवान यहाँ पे रहे हैं, मथुरा वृंदावन से यहाँ आए, उससे ज़्यादा मथुरा वृंदावन से ज़्यादा उन्होंने अपना जीवन हस्तिनापुर में बिताया। तो ये भी कृष्ण भगवान की धरती भूमि है, उन्होंने सब साक्षात उनसे सब देवताओं ने यहाँ पे दर्शन दिए थे, तो इसलिए वही माँ का मंदिर है पांडवों का, जो इसे मानते हैं और आज भी मानते हैं, बड़ी शक्ति है। तो मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी आए और जो भी देखे और माँ के से ज़रूर मिलें और अपनी मनोकामना पूरी करें। जय माता। जय हो रे बाबा जी। कैसी रही?
देखो माँ बाप का पास, ये देखो ये देखो, देखो देखो तो मेरे को तो मस्त। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जाओ बाबा जी कैसी रही।